मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नाइन वीडियो है चैप्टर का। पार्ट नाइन वीडियो में एक्सरसाइज टू डी पी है और क्वेश्चन नंबर है वन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है लेट ए एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 और एक सेट बी दिया है जिसका एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 एंड एफ इस तरह से डिफाइंड है। तो आपको दिखाना है कि सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। एफ क्या है? आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसका एफ इनवर्स भी निकालना है। चलिए हम लोग इस फंक्शन में देख रहे हैं कि फंक्शन एफ में 2 रखने पर आपका एज ए इमेज 7 आया है, 3 रखने पर एज ए इमेज 9 आया है, 4 रखने पर इमेज 11 आया है और क्या देख रहे हैं तो 5 रखने पर आपका इमेज 13 आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने को मिला अगर इसको एरो डायग्राम से ऐसे बनाना चाहे तो इस एरो डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 और इसमें एलिमेंट कितना है? तो इसमें एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 यही ना है? अच्छा, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। तो हम लोग देख रहे हैं ए बी के साथ कैसे रिलेटेड है जी। 2, 7 के साथ है, 3, 9 के साथ है, 4, 11 के साथ है और 5 जो है आपका 13 के साथ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का सेपरेट सेपरेट इमेज है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का, ए के हर एक एलिमेंट का सेपरेट सेपरेट इमेज है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। तो ये 1, 1 हो जाएगा उस तरह से। तो यहां लिख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट एलिमेंट इन ए हैविंग हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इमेज इन बी। बी में उसका डिफरेंट इमेज है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। देयरफॉर एफ इज 1, 1। फंक्शन एफ जो होगा यह 1, 1 हो गया। अब अनटू के लिए बात करते हैं क्योंकि इन्वर्टिबल दिखाने के लिए 1, 1 अनटू दोनों होना चाहिए ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अनटू के लिए देखिए, तो हम लोग अनटू की बात करें तो हर एक बी के एलिमेंट का प्री इमेज ए में अवेलेबल है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग हैविंग प्री इमेज प्री इमेज इन इट्स डोमेन ए, इसके डोमेन ए में हर एक का प्री इमेज है। देयरफॉर एफ इज अनटू। फंक्शन एफ 1, 1 भी है और अनटू भी है, हेंस हेंस एफ इज इनवर्टिबल। तो यह फंक्शन एफ जो है आपका इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। अब इसका एफ इनवर्स की बात करें तो आपको पता है एफ इनवर्स में डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाता है, यानी इसी को खाली पलट के लिख दो तो आपका एफ इनवर्स आ जाएगा। यानी वह हो जाएगा 7, 2, 9, 3, 11, 4 और 13, 5। समझ गया ना? यानी कि यहाँ एफ इनवर्स डिफाइन कैसे होगा? बी टू ए पर, है ना, बी टू ए पर। समझ गया ना? डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इट्स एफ इनवर्स। इसका एफ इनवर्स भी निकालना है और ये दिखाना है कि यह इनवर्टिबल है। तो 1, 1, 1, 2 होगा तो इनवर्टिबल हो जाएगा। तो 1, 1, 1, 2 दिखाने के लिए इसका बताए हुए हैं पिछले भी पार्ट्स में। लेट एफ एक्स 1 बराबर में एफ एक्स 2 फॉर ऑल एक्स 1 एक्स 2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन आर। चलिए तो एफ एक्स 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2x1 + 3। यहाँ पे x2 रखेंगे तो जाएगा 2x2 + 3। 3 से 3 काट दीजिए, 2x1 बराबर में हो गया 2x2। 2 से 2 काट दीजिए यानी हो जाएगा x1 बराबर x2। देयरफॉर एफ इज 1, 1। फंक्शन एफ जो है आपका 1, 1 हो गया। अब चलिए इसके अनटू के लिए बात करते हैं। तो अनटू के लिए आपको पता है कि लेट वाई बराबर एफ एक्स ले लेना होगा। यानी यहाँ से वाई बराबर हो जाएगा 2x + 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यह इधर घट जाएगा, यह आएगा भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा y माइनस 3/2। तो इसके वैल्यू रियल होने के लिए, यह रियल कब होगा? व्हेन y बिलोंग्स टू r। अगर y की जगह कोई रियल नंबर रखते हैं तो इसका भी वैल्यू रियल ही आएगा, आएगा ना? तो देख रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ co-domain R having pre-image in its domain
in its domain R, therefore f is unto. तो फंक्शन f जो हो गया वन वन भी हो गया अन टू भी हो गया यानी इन्वर्टिबल हो गया. देयरफॉर या फिर हेंस f इज इन्वर्टिबल. फंक्शन f आपका इन्वर्टिबल हो गया. तो आपको पहले भी थ्योरम में भी प्रूव कराया है कि इन्वर्टिबल होने के लिए वो फंक्शन वन वन और टू होना चाहिए तभी ना वो इन्वर्टिबल होगा. चलिए तो आप यहां से अब क्या निकाल देंगे, f इनवर्स निकालना है. तो f इनवर्स भी r टू r पर ही डिफाइंड होगा और उसको कैसे लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x बराबर, देखिए यहाँ पे x लिया है ना वेरिएबल में, तो यहाँ y के फॉर्म में है तो यहाँ y की जगह x ले लेना होगा, x माइनस थ्री बाई टू यहाँ पे. और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इसके डोमेन से बिलोंग करेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करेगा. क्लियर हो गया, इनवर्स भी निकल गया और इन्वर्टिबल भी हो गया. क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं. फंक्शन एफ क्यू टू क्यू यानी रेशनल टू रेशनल नंबर की बात करना है, रेशनल टू रेशनल. एफ एक्स बराबर थ्री एक्स माइनस फोर दिया, सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल और इसका इन्वर्स भी निकालना है. चलिए तो ये रेशनल टू रेशनल दिया, ठीक है. चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से. चलिए तो यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा थ्री एक्स वन माइनस फोर बराबर में थ्री एक्स टू माइनस फोर, ठीक है. फोर से फोर काट दीजिए, थ्री एक्स वन बराबर में थ्री एक्स टू, थ्री से थ्री कट जाएगा एक्स वन बराबर में एक्स टू, देयर फोर एफ इज वन वन. फंक्शन एफ क्या हो गया आपका, वन वन हो गया. अब अन टू के लिए क्या करेंगे, लेट वाई बराबर एफ एक्स, तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू रख दो थ्री एक्स माइनस फोर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा, ये आके इसमें जुट जाएगा तीन आएगा भाग में, यानी कि हो जाएगा वाई प्लस फोर बट्टा तीन. अच्छा यह रियल से बिलोंग सॉरी रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा जब हम लोग वाई बिलोंग करा दे हम लोग किससे, रेशनल नंबर से. अगर यहाँ पर कोई रेशनल नंबर लेते हैं और इसको सॉल्व करें तो वो भी तो रेशनल ही ना आएगा, बिल्कुल आएगा. लिख सकते हैं कि फॉर एवरी को एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन क्यू, है ना, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए उसके डोमेन में उसका प्री इमेज होगा, देयरफॉर एफ इज अनटू. एफ जो हो गया आपका अनटू हो गया, तो वन वन भी हो गया अनटू भी हो गया, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा. तो फंक्शन एफ जो हो गया आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है. फंक्शन एफ आपका इन्वर्टिबल हो गया, जब इन्वर्टिबल हो गया तो इसका एफ इनवर्स बता दो. तो एफ इनवर्स भी क्यू टू क्यू पर ही डिफाइंड होगा, रेशनल टू रेशनल ही डिफाइंड होगा. और एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे दिखाएंगे, तो आपको यहाँ वेरिएबल में चेंज कर देना, वाई की जगह एक्स कर देना होगा, तो एक्स प्लस फोर बट्टा में थ्री, और यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू. क्लियर है, दिक्कत नहीं है इसमें. क्वेश्चन नंबर चार देखिए, कह रहा है लेट एफ आर टू आर, एफ एक्स बराबर वन बाई टू थ्री एक्स प्लस वन, सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल और इसका एफ इनवर्स भी निकालना है. चलिए देखते हैं, लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर. चलिए इसके डोमेन से, चलिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स वन एक्स टू रख देंगे एक्स की जगह पर, तो वन बाई टू थ्री एक्स वन प्लस वन, वन बाई टू थ्री एक्स टू प्लस वन. चलिए वन बाई टू काट दो, थ्री एक्स वन प्लस वन और बराबर में थ्री एक्स टू प्लस वन, वन से वन यहाँ भी काट दो, थ्री एक्स वन बराबर में थ्री एक्स टू, यहाँ थ्री से थ्री कट जाए, वन एक्स वन बराबर आ गया एक्स टू, एफ इज वन वन. फंक्शन एफ जो हो गया आपका वन वन हो गया. अब अन टू की बात करें, लेट वाई बराबर एफ एक्स, यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई टू थ्री एक्स प्लस वन. चलिए तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो ये इसमें आके गुना करेगा टू वाई और ये आके एक इधर घट जाएगा माइनस वन और बट्टा में ये थ्री आ जाएगा, यही ना आएगा जी. तो यह रियल से बिलोंग करेगा कब, जब हम लोग y बिलोंग कर रहे हैं रियल से. अगर y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसका भी वैल्यू रियल ही आएगा ना, बिल्कुल रियल आएगा. तो देख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R हैविंग
having pre-image in its domain R. Therefore, f is unto. तो फंक्शन f जो होगा वन वन भी हो गया, अन टू भी हो गया, यानी कि इन्वर्टिबल हो गया. hence f is invertible. तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया. अब इसका f इनवर्स निकाला, तो f इनवर्स डिफाइन होगा r टू r पर. चलिए, और f इनवर्स ऑफ x जो होगा, वहां वेरिएबल चेंज कर दो, यानी कि 2x माइनस 1 बट्टा 3 यहीं पे ना. चलिए, और x बिलोंग्स टू r. इनवर्स निकाल दिया, इन्वर्टिबल भी प्रूव कर दिया. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. देखिए कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर दिया है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 और x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कह रहा है 2 बाई 3. x 2 बाई 3 के बराबर नहीं, यानी कि यहाँ 2 बाई 3 रखोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए कह रहा है कि ये नहीं है. यानी कि इसका कोई भी रियल नंबर रख सकता है इसके जगह, बस 2 बाई 3 को छोड़कर, क्योंकि इस पर अपरिभाषित हो जाएगा, नॉन डिफाइंड हो जाएगा. सो डैट एफ ऑफ एफ x f of fx बराबर x होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2 बाई 3. hence find f inverse. हमें f inverse भी निकालना है, तो पहले इसको निकालते हैं कि f of fx x के बराबर होता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो जा रहा है. चलिए देखते हैं, f of fx का वैल्यू x आना चाहिए. चलिए देखते हैं, ये बन जाएगा f of fx, ऐसे बन जाएगा. चलिए, f fx का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4x plus 3 बटा में 6x माइनस 4. आप फंक्शन f में x के जगह यह रखना होगा, जहां जहां x है ये वाला टर्म पूरा रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 प्लस 3 बटा में उसी तरह से 6 इंटू पूरा यही रखेंगे 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4 माइनस 4 फिर दिया है. चलिए, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. तो अगर ये इसका एक्स वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एफ एक्स एक्स आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. चलिए, 6x माइनस 4 ऊपर हो जाएगा, देखो तो गुना कर देते हैं इसके साथ साथ, चर्चों का 16x और प्लस में 4 दिया 12 और यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे ये आएगा और ये जाकर ऊपर गुना करेगा ना, तो इसमें ऊपर गुना कर दो, तो 6 3 18x और माइनस में 4 3 12. चलिए, यहाँ भी नीचे एलसीएम लेते हैं, 6x माइनस 4 और देखो ये 6 ऊपर गुना करो, 6 चौका 24x और 6 3 18 माइनस, यहाँ देखो इसमें इसे भाग करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 है ना जी, तो 1 में इसे भागोगे यही आएगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो यहाँ गुना करोगे तो 6 चौका 24x 6 चौका 24x और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4 चौका 16 16 आएगा ना जी. चलिए, तो यहाँ से इसको काट दें. चलिए, अब देखो यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा आपका, 24 से यहाँ 24 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, कितना आ जाएगा ये आपका, तो यहाँ पे आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा जी, 8 6 14 1 और 1 1 2 3 34x. ठीक है, और नीचे भी 34 से 34 कट गया, x आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन आ गया. हम लोग क्या देखे कि f ऑफ f आइडेंटिटी हो गया. आइडेंटिटी होने का मतलब यह हुआ कि f f का ही इनवर्स है, देयरफॉर f इनवर्स होगा f के बराबर होगा, यानी कि वो हो जाएगा 4x प्लस 3, ये ना था जी 4x प्लस 3 और बटा में 6x प्लस 4, 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 यह उसका इनवर्स हो जाएगा, यानी ये खुद का ही इनवर्स है. चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर. सो दैट द फंक्शन f ऑन a, फंक्शन f ऑन a यानी कि फंक्शन f डिफाइंड है a टू a पर, यानी कि इसका डोमेन भी a है और कोडोमेन भी a है, और वह a का वैल्यू क्या है, तो कोई भी रियल नंबर होगा 2 बाई 3 को छोड़कर, 2 बाई 3 को जोड़कर, और fx बराबर दिया है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 इज 1 1 अन 2, इसको 1 1 अन 2 3 दिखाना है और फिर इसका इन्वर्स भी निकालना है. तो पिछला ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दिया है, तो यहाँ दूसरे तरीके से दिखा है, तो आपको 1 1 अन 2 पहले दिखाना होगा ना जी. चलिए, तो 1 1 अन 2 चेक करते हैं. लेट fx1 बराबर में fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, यानी a मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर 2 बाई 3 को छोड़कर. चलो, तो fx1 यानी क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3 और बट्टा में 6x1 माइनस 4. अच्छा, यहाँ x2 रखोगे तो हो जाएगा 4x2 प्लस 3
और बटा में 6x2 - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐसे इसमें ऐसे, यहाँ से ऐसे गुना कर दो, डायरेक्ट कर दो, 6 चौका 24 x1 x2 है ना, माइनस 16 x1 प्लस इसमें इसमें 6 3 18 6 3 18 x2 और माइनस 4 3 12। चलिए और बराबर में इसमें भी इंटू करते हैं, चलिए और इक्वल में ये भी इसमें भी इंटू करिएगा, तो यही 24 x1 x2 और फिर माइनस का, चलिए पहले प्लस वाले में इससे इससे कर दिए, फिर इसमें इसे 6 3 18 x1 ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 16 x2 और माइनस का 12, तो माइनस 12 कट गया, 24 x1 x2 कट जाएगा, ये देखो 18 x1 है माइनस का, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 16 x1 माइनस का 18 x1 और बराबर में देखो ये भी उधर भेज दो, 16 x2 माइनस का और माइनस का 18 x2, तो 16 और 18 कितना हो जाएगा, आप जोड़ दो 34 होगा ना, चलिए 34 हो जाएगा माइनस का 34 x1 बराबर में माइनस का 34 x2, तो ये दोनों कट जाएगा ना, यानी x1 x2 के बराबर आ गया, x1 जो है x2 के बराबर आ गया, therefore f is 1 1, फंक्शन f जो है 1 1 है, फंक्शन f 1 1 हो गया। अब अनटू के लिए चेक करते हैं, तो लेट y बराबर fx, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4x + 3 / 6x - 4, fx का वैल्यू ये दिया है 4x + 3 / 6x - 4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसमें लाके गुना करेंगे तो हो जाएगा 6xy - 4y इक्वल में 4x + 3, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 6xy और माइनस का 4x और बराबर में हो जाएगा 4y + 3, x यहां से कॉमन, तो 6y - 4x कॉमन हो जाएगा 4y + 3, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, यानी x बराबर आ गया 4y + 3 बटा में 6y - 4। अगर हम लोग इसका कोई भी, इसको बिलोंग कराना चाहते हैं a से, ये कहने का मतलब कि कोई भी रियल नंबर 2/3 को छोड़कर इसको इससे बिलोंग कराना चाहते हैं, तब आपको क्या लेना होगा, तब हमें पता है कि यहाँ पे y बिलोंग करना चाहिए a से, ठीक है, y a से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर इस रियल नंबर कोई भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे 2/3 को छोड़कर रखेंगे, तो इसका वैल्यू भी a से ही बिलोंग करेगा, आप रख के देख सकते हो, कोई भी वैल्यू हर एक के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन ए हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन ए, ठीक है, इन इट्स डोमेन ए, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एफ इज अनटू। अगर ऐसे अनटू नहीं समझ में आ रहा है कि सर ऐसे कैसे बिलोंग करेगा, तो आप करना ना, आप क्या करना, फिर से आप यहां पे जो फंक्शन एफ एक्स बराबर आपके पास क्वेश्चन में दिया ना, एफ एक्स बराबर क्या दिया है 4x + 3 / 6x - 4, यही ना दिया है आपके क्वेश्चन में यही ना दिया जी। चलिए तो इसी को इस फंक्शन में x के जगह ये वाला चीज पुट कर देना, अगर यह पुट करने पर इसका वैल्यू y आ जाता है तभी आप अनटू कह सकते हो, तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसी से अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन f जो होगा इन्वर्टिबल हो जाएगा ना, f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन f जो है इन्वर्टिबल है, तो फंक्शन f इन्वर्टिबल हो गया, तो आप f इनवर्स कैसे निकालोगे, तो f इनवर्स डिफाइंड होगा a to a पर, ये भी a to a पर ही डिफाइंड होगा, और ये पता ही है क्या जी, तो लिख देंगे लास्ट में f इनवर्स ऑफ x बराबर 4x + 3 और बटा में 6x - 4, यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिए, और x बिलोंग्स टू a, और a क्या है, तो r कोई भी रियल नंबर 2/3 को छोड़कर। देखो आपके बुक में आंसर y के फॉर्म में दिया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये नहीं सोचा कि आंसर गलत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरिएबल जो था वो भी रख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, तो आरएस अग्रवाल में चेंज नहीं करता है, अदर बुक में चेंज कर देता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरएस में चेंज कर देता है वेरिएबल को, एक्स के ही टर्म में ले लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहाँ दिखा देते ना कि एक्स ए से ही बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ वाई लिखेंगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे।
क्वेश्चन नंबर एट देखिए, कह रहा है कि लेट आर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव, या कह भी रहा है कि बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये आर पॉजिटिव जो दिया है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सो दैट द फंक्शन एफ रियल पॉजिटिव टू को तो मैंने यहां दिया है कि माइनस फाइव के इक्वल है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है। इसका मतलब ये पता है ना कि माइनस फाइव के बराबर और माइनस फाइव से बड़ा भी लेकिन इन्फिनिटी से छोटा, यानी कि माइनस फाइव से इन्फिनिटी तक के वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। और एफ एक्स बराबर, यहाँ पे इसका को डोमेन है, यह डोमेन है, तो एफ एक्स बराबर दिया है कि नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इन्वर्टिबल, या इन्वर्टिबल है, यह आपको शो करना है और इसका एफ इन्वर्स भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहले वन वन एंड टू दिखाएंगे तभी ना इन्वर्टिबल होगा। तो लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इट्स डोमेन रियल पॉजिटिव, ठीक है। अब एफ एक्स वन रखें यानी कि नाइन एक्स वन का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वन माइनस फाइव बराबर में नाइन एक्स टू का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स टू माइनस का फाइव, फाइव फाइव कट जाएगा, एक तरफ कर लो नाइन एक्स वन का स्क्वायर या कि इधर माइनस नाइन एक्स टू का स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, एक्स वन एक्स है ना, नाइन वाले को एक साथ कर लिए स्क्वायर वाले को और इनको एक साथ कर लेंगे वेरिएबल एक्स वाले को सिर्फ, यानी कि सिक्स एक्स वन और माइनस का ये आएगा तो सिक्स एक्स टू बराबर में जीरो, यही ना होगा। यहाँ देखो नाइन कॉमन किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, तो यहाँ बन जाएगा एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सिक्स कॉमन करेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू, यहाँ स्क्वायर में है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में दे सकते हैं ना, एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सिक्स एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो, दोनों जगह से x1 वन माइनस एक्स टू को कॉमन कर लो, x1 वन माइनस एक्स टू। अच्छा चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, कोई निकालने की जरूरत नहीं, अंदर ही उसको फेंक देते हैं, 9x1 वन प्लस एक्स टू और प्लस में यहाँ 6 बचा, ये जीरो में ले जाके भाग कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा x1 वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो, क्योंकि ये तो जाके जीरो हो जाएगा। चलिए यानी कि यहाँ से आ गया x1 वन बराबर एक्स टू, देयरफॉर एफ इज वन वन, एफ इज वन वन, फंक्शन एफ जो है आपका वन 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 हो गया। अब अनटू के लिए तो लेट वाई बराबर एफ एक्स, चलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू जो है, तो एफ एक्स का वैल्यू है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सिक्स एक्स और माइनस फाइव, यही ना है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सही करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, ये तीन का स्क्वायर है, इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ो, 2 इंटू ए, ए के जगह पर कितना है 3x है ना, 3x और इंटू 1 देना होगा तभी ना आपका 6x आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दो एक बार, 1 का स्क्वायर घटा दो और माइनस फाइव वाई बराबर, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 5 जुड़ जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ये आके इधर घट जाएगा, तो यहाँ वाई प्लस 6 यहाँ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आ गया इधर रूट में लगाएंगे, तो चूंकि रियल पॉजिटिव के लिए कह रहा है तो सोचने वाली बात ही नहीं, ये आके इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 3x प्लस 1, 1 को लाके घटाएंगे रूट अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1 बराबर 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस तरह से इधर ही लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा रूट अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, तो इसका वैल्यू हमें क्या लाना होगा, तो इसका वैल्यू बिलोंग करना चाहिए इसके किससे, तो डोमेन दिया हुआ यानी एक्स का वैल्यू, यानी इसके डोमेन से देखेंगे तो डोमेन आपका रियल पॉजिटिव था, रियल पॉजिटिव कब होगा, व्हेन 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 वाई बिलोंग्स टू, वाई बिलोंग्स टू, वाई किससे बिलोंग करेगा, माइनस फाइव टू इन्फिनिटी, माइनस फाइव टू इन्फिनिटी, देख लो अगर आप यहाँ पे माइनस फाइव रखते हो तो यहाँ देखो ये वन आ जाएगा रूट वन, वन में से वन गया जीरो, जीरो में तीन से भागा जीरो, रियल पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। अब देखो माइनस पाँच से बड़ा लोगे, माइनस चार रखोगे तभी आएगा, अगर छोटा लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, छोटा लेंगे तो रियल पॉजिटिव नहीं मिल जाएगा, रियल पॉजिटिव होना चाहिए ना, रियल भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो इसी में होगा। अगर आप यहाँ पे देखो ना माइनस सिक्स ले लो, इससे बाहर है ना, माइनस सिक्स ले लो तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा, जीरो में से एक घटेगा तो माइनस वन, माइनस वन बाई थ्री रियल है, रियल तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, है ना, तो देख सकते हैं ना इन्हीं सब पे ये रियल पॉजिटिव आने वाला है, माइनस फाइव से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में लिख सकते हैं, फॉर एवरी एवरी
एलिमेंट ऑफ कोडोमेन माइनस फाइव टू इन्फिनिटी हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन एरियल पॉजिटिव है ना, देयरफॉर एफ इज अनटू, फंक्शन एफ आपका अनटू हो गया, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल, फंक्शन एफ जो होगा इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, तो इन्वर्टिबल हो गया। अच्छा इन्वर्टिबल हो गया तो इसका एफ इनवर्स बता दो, तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा जी, तो इसका डोमेन बन जाएगा उसका रेंज यानी माइनस फाइव टू इन्फिनिटी टू रियल पॉजिटिव, और वह कैसे डिफाइंड होगा, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी दे सकते हैं वाई भी दे सकते हैं, तो वाई देंगे तो यही लिख देंगे सीधे रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ लिख देंगे कि वाई बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू इन्फिनिटी, और कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज भी करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जो होगा माइनस फाइव टू इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव, इस तरह से डिफाइन होगा, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स प्लस सिक्स माइनस वन बाई थ्री, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू इन्फिनिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे तीन क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको भी देखेंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मोर वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के लिंक दिए हुए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए, मेरा दूसरा चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका आपका जिसे आप अबाउट में जाके वहाँ से देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल को, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।